सो हे नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको पार्ट 3 लखनवी अंदाज का फुल समरी बताने वाला हूं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मीम दिखा देता हूं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टैलेंट की क्या बात करते हो भाई, हमारे यहाँ के लड़के जीव से बैटरी चार्ज के बता देते हैं कि कितने परसेंट चार्ज हैं। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज एक व्यंग है जो उन्होंने साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेखक के कान में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए सेकंड क्लास का किराया अधिक होते हुए भी उसी का टिकट लिया। सेकंड क्लास में कम लोग बैठते थे, पैसेंजर ट्रेन चलने ही वाली थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वह खाली समझकर चढ़े थे वहां पहले से एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उस सज्जन पुरुष को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब के सामने तौलिए पर दो खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि नवाब आम आदमी से बात करना नहीं चाहते थे। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा, लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों सिरों को काट कर खीरे का झाग निकाला। नवाब साहब खीरे को बड़े सलीके और नजाकत से संवार रहे थे। उन्होंने खीरे पर नमक, जीरा और लाल मिर्च लगाई। नवाब साहब ने एक बार फिर से खीरे लेने के लिए पूछा। नमक मिर्च लगे ताज़े खीरे को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था, पर लेखक पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए लेखक ने धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च लगे खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर गहरा सांस लिया, खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, फाँक के स्वाद से पलके बंद हो गए, मुँह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ और ओठ पोंछकर लेखक की ओर गर्व से देखा, मानो कह रहे हो कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का ढंग है। लेखक यह सब देखकर सोचने लगा कि क्या इस तरह से पेट की भूख को भी शांत किया जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने भरे पेट की ऊँची डकार ली। नवाब ने कहा कि खीरा खाने में तो बहुत अच्छा होता है, परंतु अपच होने के कारण पेट को भारी करता है। लेखक को लगा कि जब नवाब साहब बिना खीरा खाए डकार ले सकते हैं, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा करने से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। सो गाइस, ये थी पार्ट 3 लखनवी अंदाज के फुल समरी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 1 है, नवाब साहब का व्यवहार कैसा था, उस पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने खीरे का आनंद कैसे लिया। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने डिब्बे में बैठे हुए सज्जन के विषय में क्या सोचा। सो गाइस, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th हिंदी और क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।